नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। हाजिर हूँ मैं आपके सामने आज का क्विज लेके। ये क्विज आपको कहाँ मिलेगा? ये क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द लर्नर्स हब ऑफिशियल में मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप द लर्नर्स हब 2022 सर्च करके टेलीग्राम में भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये लिंक है, इस लिंक पे यहाँ पे क्वांट्स लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक करें तो आपके सामने एक ये विंडो खुलेगा। आप यहाँ अपना नाम डाल के नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये क्विज ओपन हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 4:5। आफ्टर 5 years दिस रेशियो बिकम 6:7। इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 years यंगर देन बी, फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या था? 4:5। ये क्या था? 5 years back, मतलब आज से 5 साल पहले। यहां क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और बाद में ये बोल रहा है कि 5 साल बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा? 6:7। ठीक, ये x:y मान लीजिए। ठीक, आया सबको समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सी जो है वो बी से कितना छोटा है? आज की उसमें 10 साल छोटा है। एक इक्वेशन मेरे पास ये बनी। देखिए एजेस का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, आज से जो मेरी एज है, आज मान लीजिए मेरी एज 35 साल है, मेरे दोस्त की एज है 45 साल, तो जो हम दोनों के एज का डिफरेंस है 10 साल, वो आज भी यही रहेगा, आज से 10 साल पहले भी ये रहेगा, आज से 10 साल बाद भी यही रहेगा। ये सबको समझ में आया? और जितना चेंज आज से 10 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी? 45, और इसकी एज कितनी हो जाएगी? 55। तो ये जो डिफरेंस है ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक, सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे कितने यूनिट्स का चेंज है। यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज है और यहाँ पे भी क्या है? डिफरेंस 1 यूनिट का है। ये सबको समझ में आया? मतलब ये दोनों तो मेरे सेम है, तो इसको मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां से यहां देखते हैं कितने यूनिट्स का चेंज है? +2 यूनिट्स का। और यहां से यहां भी क्या है? +2 यूनिट्स का चेंज है। मतलब ये ऑलरेडी मेरा बैलेंस्ड रेशियो है। ठीक, तो मुझे इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 2 यूनिट्स है ये क्या बता रहा है? ये 5 साल पहले था आज से, और आज से 5 साल बाद, तो मतलब ये क्या बता रहा है? 10 साल। बेसिकली एक यूनिट क्या इंप्लाई कर रही है? 5 ईयर्स। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब मैं इन किसी भी रेशियो को यूज कर लेता हूं, मैं ये वाला रेशियो यूज करता हूं। तो देखिए आज से 5 साल बाद ए की जो एज है वो कितनी होगी? 30 ईयर्स, और ये क्या होगा? 35 ईयर्स। आज से 5 साल पहले क्या होगा? ये होगा 25, और ये क्या होगा? 30। ये सबको समझ में आया? ये होगा 30। ए मेरा आ गया प्रेजेंटली कितना है? 25 साल। और बी से 10 साल छोटा क्या है? सी, मतलब सी कितना है? 20 साल का। तो मुझे a:c निकालना है, मतलब क्या आएगा? 5:4। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, ये मैंने क्लिक किया, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ये पाई चार्ट है दैट शोज द क्वांटिटी वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हैं? a, b, c, d and e। ठीक, इन ईयर 2016 इफ 1500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी वर सोल्ड इन 2016 एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी इन 2017 वाज 18% मोर देन इन ईयर 2016 एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी इन 2017 इज। क्वेश्चन ये बोला है, ये जो पाई चार्ट है ये क्या बता रहा है? एक कंपनी के 5 प्रोडक्ट हैं a, b, c, d, e, उसमें 2016 में कितनी उनकी सेल्स हुई है ना, कितना बेचा गया प्रोडक्ट्स, और बता रहा है 2016 में जो डी है वो कितना बेचा गया? 1500 यूनिट्स। ठीक, और ये कह रहा है कि 2016 में 18% प्लस होके जो टोटल प्रोडक्ट्स बेचे गए वो 2017 के थे। ये सबको समझ में आया? मतलब 2017 में जो टोटल प्रोडक्ट बेचे गए वो 2016 के मुकाबले 18% ज्यादा थे। ठीक, अब बेसिकली ये क्या बता रहा है? ये जो डी है इसका जो यहाँ पाई चार्ट में वैल्यू है वो कितना है? 100 डिग्री। तो ये जो 100 डिग्री है दैट इज इक्वल इन टू 1500 यूनिट्स। ये आया सबको समझ में? तो 1 डिग्री इक्वल टू
इज इक्वेलेंट टू 15 यूनिट्स। अब मुझे इसका टोटल पूछा गया है, ठीक, तो मुझे इसका टोटल और ये इसका टोटल मैं निकाल सकता हूँ कैसे? टोटल तो भाई 360 डिग्री ही होगा ना, ये पूरा 360 डिग्री होगा, तो दैट इज विल बी इक्वेलेंट टू 15 इंटू 360 यूनिट्स, ठीक। अब आया समझे, अब इसको करना कैसे है? देखिए 15 को मैं तोड़ूंगा 10 और 5 में, तो 360 इंटू 10 क्या होगा? 3600 प्लस 1800, 3600 प्लस 1800 कितना हो गया? 5400 यूनिट्स। मतलब 2016 में जो टोटल प्रोडक्ट बेचे गए वो कितने थे? 5400। अब इसमें मुझे क्या करना है? 18% ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। देखिए अब 18% कैसे करना है? देखिए 5400 का 10% कितना होगा? 10% भी छोड़िए, 1% कितना होगा? 54, ठीक। 1% से मैं 2 गुना जाता हूं तो कितना हुआ? 108। अब मुझे टोटल जाना था 18%, ठीक है, मतलब 18 गुना जाना था, मैं जिसमें 2 गुना कवर कर चुका हूं, तो मुझे अब इसका और क्या निकालना पड़ेगा? 9 गुना। अब इसका 9 गुना निकालने के लिए इसको भी 100 और 8 में तोड़ो, मतलब 972, 900 और 8 9 8 72, तो बेसिकली इसमें 972 ऐड कर दो, कितना आएगा? 636372। ये आया सबको समझ में? ये आंसर लगा देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन? एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, इफ इट सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, ठीक है, एक आर्टिकल को, देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट इफ इट सोल्ड एट ओरिजिनल प्राइस। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आर्टिकल है जिसको मैं एक्स रुपए में बेचता हूँ, ये क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक। अगर मैं इसके 80% में इसको बेचू, 80% ऑफ एसपी, तो मुझे क्या आएगा? 10% का लॉस होगा, 10% का लॉस मतलब 90% ऑफ सीपी। तो यहां से मेरा एसपी अपॉन सीपी क्या आया? एसपी अपॉन सीपी 9/8 आया, ठीक। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, देखो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? एक यूनिट का, किसमें से हुआ? 8 में से, इंटू 100, यही मेरे को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक। तो ये कितना आएगा? सबको मालूम है 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 12.5%। आया सबको समझ में? ये अपन ने क्लिक कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है ना, इसमें क्या है? मिसिंग डेटा भी है और हमें उसे फिलअप करना है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो इज नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए बी एंड सी एंड सम डेटा इज मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और हमको निकालना है फाइनली बाय व्हाट परसेंटेज टोटल स्टूडेंट इन क्लास बी आर मोर देन दैट ऑफ क्लास ए, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ टेबल बना लेता हूँ, बॉयज हैं ये, गर्ल्स हैं ये, क्लासेस हैं ए बी और ये सी, ठीक, ए बी एंड सी। अब देखो ए में मुझे ये डेटा गिवन है, ये नहीं दिया, और ये 80 है और ये 60 है, ठीक। अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? कक्षा ए से एक लड़के के चयन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/12। देखो अगर कक्षा ए में, अगर ये मान लो x है, ठीक है, तो 50/x क्या है? 5/12। बेसिकली ये जो 5 यूनिट्स है ये क्या बता रहा है? 50, तो मतलब एक यूनिट 10 बता रहा है, तो ये टोटल, सॉरी ये 50 प्लस एक्स है ना, ठीक। तो ये जो टोटल है ये क्या बताएगा? 120 यूनिट। तो मतलब एक्स कितना आ गया मेरा यहां से? 70। ये आया सबको समझ में? भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमको एक बॉय चुनना है, मतलब हमको ये 50 C1 में से 50 प्लस एक्स में से कोई एक चुनना है ना, मतलब ये क्या होगा? 50/50 प्लस एक्स। अगर ये 50 5 यूनिट्स है तो 50 प्लस एक्स 12 यूनिट्स है, एक यूनिट क्या हो गया? 10, तो 5, तो ये कितना हो गया? 120, तो एक्स कितना हो गया? 70। ये आया सबको समझ में? आगे देखते हैं। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है
द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ ऑल क्लासेस इज 14:19 सभी कक्षाओं के सभी लड़कों में से एक लड़के को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है 14/19 और ये भी है कि जो बॉय सिलेक्टेड है वो या तो बी और या तो सी से होना चाहिए। अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ y और इसको मान लेता हूँ z। अब मुझे क्या करना है सिर्फ b और c में से चुनना है मतलब y प्लस z अपॉन और सिर्फ बॉयज में से चुनना है सारी क्लासेस के क्या 50 प्लस y प्लस z ये मेरे को प्रोबेबिलिटी क्या दी है ये मेरे को प्रोबेबिलिटी दी है 14/19 तो यहां से मेरा y प्लस z कितना आया 14/19 ठीक ये आपको सबको समझ में आया ठीक है। तो अब मेरे का एक यूनिट बराबर मेरा ये आ चुका था 10 है ना तो मेरा कुल मिला के वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए 14 मतलब कितना 140 ठीक 140 नंबर्स होने चाहिए। और ये भी कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम क्लास बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम क्लास सी। देखो ये भी कह रहा है कि जो ये प्रोबेबिलिटी है y अपॉन दिस होल 50 प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम क्लास b क्लास b का बॉय चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये y अपॉन 80 प्लस y और यहां ये दिया है z अपॉन z प्लस 60 ठीक तो ये दोनों की वो क्या है वो सेम है आया सबको समझ में। तो ये देखिए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है वाई जेड प्लस 60y इक्वल्स टू 80z प्लस वाई जेड ये कट गया तो मेरा यहां से z अपॉन y क्या आ गया 6/8 मतलब क्या आया 3/4 तो बेसिकली मेरे को ये भी मालूम है कि y प्लस z क्या है ये तो इसको 3:4 में डिवाइड करो तो मतलब एक यूनिट बराबर कितना हो गया 2 तो ये हो जाएगा कितना 6 और ये कितना हो जाएगा 8 ठीक तो 6 मतलब कितना एक यूनिट बराबर 10 तो ये हो गया 60 और ये हो गया 80 ठीक। अब बाय व्हाट परसेंटेज टोटल स्टूडेंट इन क्लास बी आर मोर देन दैट ऑफ क्लास ए मुझे टोटल स्टूडेंट देखना है क्लास बी में कितने थे टोटल स्टूडेंट 160 और क्लास ए में टोटल कितने थे 120 क्लास ए से ही कंपेयर करना है मतलब 40 ज्यादा है किससे 120 से मतलब क्या आया फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 1/3 मतलब क्या हुआ 33.33। आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी और क्यू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ठीक बाई इन्वेस्टिंग रुपीज 8,000 6,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं इनिशियल पी और क्यू की बात क्या थी 8:6 आफ्टर 3 मंथ्स पी विड्रू 2,000 वाइल क्यू इन्वेस्टेड 2,000 मोर आफ्टर 3 more months आर ज्वाइन बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 11,000 ठीक है और टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ वन ईयर क्या हुआ है 35,100 ठीक। चलिए इसको करते हैं देखिए जो भी प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो होता है ठीक। तो मैं पहले देखता हूँ पहले अगर मैं 3 महीने की बात करूँ शुरुआत के 3 महीने तो सिर्फ क्या क्या पार्टीज थी पी और क्यू 8:3 और यहाँ पे क्या था 6:3 P:Q:R अभी R तो है ही नहीं फिर आफ्टर 3 मंथ्स क्या हुआ इसने क्या किया 2 units निकाल लिए मतलब बचे कितने बाकी बचे 6 इसने 2 units और कर दिए तो क्या हुआ प्लस 8:3 ठीक 6 महीने बीत गए। अब बाकी के जो 6 महीने ठीक ये बाकी के 6 महीने ही रहेंगे सॉरी 9 महीने रहेंगे ना सिर्फ 3 घटे तो ठीक। और इसने क्या किया सिर्फ 6 महीने में अपना 11:6
आया सबको समझ में? सिर्फ 6 महीने के लिए पी ने मतलब आर ने ज्वाइन किया भाई, आफ्टर 3 मंथ्स आर ज्वाइन द बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 11,000। ठीक, अब इसको करते हैं, ये हो गया 24 और ये हो गया कितना 54, 24 और 54 कितना हो गया 78, ये हो गया कितना 18 और ये हो गया कितना 72, 72 और 18 कितना हुआ 90 और ये क्या हुआ 66। ठीक, अब इसको काटते हैं, ये होगा 45, 33 और ये 39। ठीक है, बेसिकली अब इनका जो सम है वो कितना है 35,100, तो इनको एक बार सम करते हैं, 40 और 44 हो गया 84 और 33 कितना हुआ 117, that is equivalent to 35100। ठीक, ये कितने टाइम्स गया 300 टाइम्स भाई, 117 का 3 गुना यही होगा 300 और 51, 300 टाइम्स, तो 1 यूनिट इज इक्वलेंट टू 300। अब हमको देखना है कि द शेयर ऑफ क्यू एक्सीड दैट ऑफ आर, शेयर ऑफ क्यू क्या है 45 और आर क्या है 33, मतलब डिफरेंस कितना हुआ 7 और 5 12, अगर ये 300 यूनिट है तो 12 कितना होगा 3600। ठीक, ये मैंने लगा दिया, सबमिट करते हैं, आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे स्कोर वगैरह आ जाएगा, जो गलत होंगे वो आप इस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।